Hello dear students, how are you all? As you know, our lesson number 6 is going on, staying healthy. In the previous class, we have talked about the food, why food is necessary. We have talked about the food pyramid and also about the healthy food. We have started the group of essential nutrients, and first we have talked about the energy giving food, carbohydrate. So today we will talk about the another energy giving food, that is the fat. But there is a difference between the fat and the carbohydrates. Yes. How? Because जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा दे प्रोवाइड हवर बॉडी इंस्टेंट एनर्जी, वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. मगर जो फैट है दे स्टोर इनसाइड अवर बॉडी एंड विद द रिक्वायरमेंट, मतलब जब भी हमें ज़रूरत होती है तब वो हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड कराते हैं. जो फैट होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट से दोगुना मतलब ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है. बट द डिफरेंस इज कार्बोहाइड्रेट गिव इंस्टेंट एनर्जी एंड फैट डज नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी, दे स्टोर इनसाइड अवर बॉडी. सो द फैट कैन बी गुड फैट और द बैड फैट. वी शुड ईट राइट अमाउंट, मतलब हमें हमेशा फैट की राइट अमाउंट खानी चाहिए. ज़्यादा फैट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इफ यू ईट मोर फैट देन यू कैन बिकम ओबेस. द फैट दैट इज़ नॉट यूज, मतलब जो फैट हमारी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, वो हमारी स्किन के नीचे जमा होता रहता है. द फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जमा हो रहा है वो हमें मोटा बना सकता है और हार्मफुल है बहुत ज़्यादा वेज में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें ओबेसिटी हो जाती है मतलब मोटापा हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं जो मतलब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे. सो दैट इज़ वाई फैट शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट इन द प्रॉपर अमाउंट एंड यू शुड नॉट ईट द फैट इन द एक्सेस, मतलब सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में हमें फैट खाना चाहिए. फैट मौजूद किस किस में होता है? यू कैन ईट एग्स टू टेक द फैट, एवोकाडोस, ओके, ऑलिव ऑयल, पिस्ता, आलमंड, वॉलनट्स, पीनट्स, नट बटर एंड मिल्क, चीज़. So like this, from these items you can take the fat. Next we will talk about the body building food. See, this is very necessary to know because आप लोगों की growing age है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि which food is very much needed for your body. Because आप अभी growing age में हो तो body building food जैसे नाम ही बता रहा है, it is very much helpful to you in the growth. So body building food contains protein. प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, बिकॉज जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है, और अगर बीमारी की वजह से या चोट की वजह से हमारी कोई सेल डैमेज हो जाती है उसको रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है. जो प्रोटीन है वो हमें टू सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स एंड द प्लांट सोर्स. एनिमल सोर्स मतलब एनिमल से मिलने वाला फूड जैसे एग, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज़. प्लांट सोर्स लाइक बीन्स, पल्सेस, पीज एंड नट्स. एंड यू नो सोयाबीन कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन इट, मतलब अगर आप एग नहीं खाते तो आप सोयाबीन खा सकते हो बिकॉज सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है. जो मिल्क ग्रुप, मीट ग्रुप और ग्रेन ग्रुप होता है हमारे फूड पिरामिड के अंदर, इसमें फूड आइटम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन्स, पल्सेस, मीट, एग, फिश, ये बहुत बढ़िया सोर्स हैं प्रोटीन के. ठीक है, तो हमें हमेशा प्रोटीन हमारे डाइट में, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रंस को अपने डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करना चाहिए, सो दैट योर बॉडी बिल्ड्स प्रॉपरली एंड यू गेट द प्रॉपर ग्रोथ. ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव फूड्स. सो प्रोटेक्टिव फूड्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस से. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड, द फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. और विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. जो फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप है हमारे फूड पिरामिड के अंदर, इसको हम प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स बोलते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड के. जो विटामिन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो इजीली फैट को स्टोर, फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के. दे डिजॉल्व इन द फैट एंड कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी. और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स लाइक सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, दे नीड टू डिजॉल्व इन वाटर बिफोर यू योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब देम. अगर हम मिनरल्स की बात करें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि जो सॉइल से हमें मिलते हैं, पानी से मिल रहे हैं, या फिर जो भी हम प्लांट खा रहे हैं या एनिमल खा रहे हैं,
उससे हमें मिलता है। जो मिनरल्स होते हैं ये हमें एज कम्पेयर टू विटामिन ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमारी बॉडी को बोन्स को मजबूत बनाता है, दांतों को स्ट्रांग रखता है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ओके, सो मिनरल्स लाइक क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन, सीलियम, जिंक एंड कैल्शियम, फॉस्फोरस, दीज आर वेरी असेंशियल फॉर अवर बॉडी। सो टुडे वी विल टॉक ओनली अबाउट दिस, टुमारो वी विल टॉक अबाउट द रफेज एंड वाटर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।